हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल प्रियंका किचन जोन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से नवरात्रों में बनने वाली उपवास की बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप आराम से व्रत में बना के खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसे बनाएंगे लौकी से, इसलिए बहुत हेल्दी भी होने वाली है और साथ में कुछ अच्छे मसालों से बनाएंगे जो फ्लेवर तो देगी, साथ में आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगी क्योंकि हम इसे बहुत कम तेल में बनाएंगे, इसलिए हेल्दी तो होने ही वाली है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि जब आप मन चाहे इसको एंजॉय कर सके चाय के साथ में। तो चलिए अब देखते हैं इस टेस्टी सी लौकी के स्नैक रेसिपी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना टोटली फ्री है। रेसिपी के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी कूटू का आटा, नाप के कहें तो ये 200 ग्राम के आसपास आटा होगा कूटू का। और आटा डालने के बाद में इसका हम एक पतला सा घोल तैयार करेंगे, लेकिन सारा पानी साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से चला देंगे ताकि जितने भी गुठलियाँ हो, लम्स हो, खत्म हो जाए। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और जब हमारा बैटर अच्छे से स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हम एक्स्ट्रा पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दिया है, आधा पहले डाला था आधा अब डाला है। तो अच्छा सा पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से जब घोल हमारा तैयार हो जाएगा तो हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। तो मैं डाल दूंगी यहाँ पे आधा लौकी जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये भी 200 ग्राम के आसपास है। और यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉयल, इनको भी कद्दूकस कर दिया था, ये डाल देंगे। अब डाल देंगे इसमें 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में डाल देंगे 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ, आप इसकी जगह पे पेस्ट डाल सकते हैं या बारीक काट के डाल सकते हैं। खटास के लिए 1 नींबू का रस, साथ में डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा फ्लेवर के लिए, 1 चम्मच सेंधा नमक, स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जितना आप खाना चाहें। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच यहाँ पे पुदीने की चटनी जो व्रत में खाई जाती है लेकिन ये ऑप्शनल है। और सबको अच्छे से मिला देंगे, बहुत ही अच्छे फ्लेवर आएंगे इस मसालों से और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो अब मैं इसको और पतला करूंगी। तो मैंने यहाँ टोटल 3 ग्लास पानी का यूज़ कर लिया है और इस तरह से हमें पतला सा घोल तैयार करना है। जब आपका घोल कुछ इस तरह से दिखने लगे तो समझ लीजिए कि अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए मैं एक कढ़ाई ले लूँगी, उसमें इसको कुक करेंगे। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। और देसी घी डालने के बाद जो बैटर हमने बनाया है लौकी का वो डाल देंगे और इसको हमें लो टू मीडियम हीट पे चलाते जाना है तब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो इसको पकने में 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है आराम से, क्योंकि हमें इसे बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, लो टू मीडियम हीट पे पकाना है। तो इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें फ्रेशनेस के लिए हरी धनिया, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, साथ में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम इसको और चलाएंगे, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। इस तरह से चलाते हुए एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, आप इसे साइड भी इसने छोड़ दिया है, इकट्ठा हो गया है। तो अब इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है, हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको हम सेट करेंगे ताकि अच्छे से इसके पीसेस कट कर सके। पीसेस कट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है बर्फी वाली ट्रे, आप कोई भी थाली प्लेट ले सकते हैं। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं। तो सारा बैटर है इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको हमें फैलाना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं फैलाना है, जितनी ब्रेड स्लाइस की जो थिकनेस होती है उस हिसाब से इसको फैलाना है। तो मैं इसको फैला दूंगी, एक साफ कलछी ले लेंगे फ्लैट वाली ताकि अच्छे से इसको हम फैला सके। इस तरह से फैलाते जाएंगे, बहुत आसानी से फैल जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको स्मूथ कर लिया है और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। तो सेट होने में इनको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है, तो मैं यहाँ पे इनको 1 घंटे के लिए बाहर और 1 घंटे फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा मैंने इसको रखा था बाहर ठंडा होने के लिए और 1 घंटे में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और जब तक आपका ये बैटर अच्छे से सेट नहीं होता इसको मत कट करिएगा। तो अब मैं इसके कर दूंगी पीसेस कट।
तो अपनी इस चॉइस के हिसाब से आप छोटा बड़ा जैसे पीस कट करना चाहे कट कर लीजिए। मैं सैंडविच स्टाइल में इसको कट करूंगी, जैसे ट्रायंगल होता है उस हिसाब से। तो देखिए एक पीस मैं आपको काट के दिखाती भी हूँ कि जितने मसाले और जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी सब लेयर के हिसाब से इसमें दिख भी रही हैं। बिल्कुल भी ठोस नहीं बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब मैं काट दूंगी इसके ट्रायंगल पीसेस, जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा फैंसी लगेंगे। इस तरह से मैं एक एक करके सारे पीसेस कट कर लूंगी। आप अपने हिसाब से जैसे भी आप खाना चाहे छोटे बड़े पीसेस इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक एक करके हम सारे पीसेस को ट्रायंगल पीस शेप में कट कर लेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो जरूर ट्राई करिएगा अपने घर पे आप इसको। तो देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं, अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आप मन चाहे इनको डीप फ्राई करें, सेलो फ्राई करें, या चाहे आप इनको बेक भी कर सकते हैं। तो बेक करने के लिए 180 डिग्री पे 5 से 6 मिनट तक के लिए हल्का सा इनको ऑयल लगाने के बाद ट्रे में रख दीजिए, ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको बहुत ही कम तेल में पैन में फ्राई करूंगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी तो होंगे ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और या तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, तो ये स्टोर भी हो जाते हैं। तो स्टोर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एयर टाइट जाल का कंटेनर लेना है और इस तरह से जितने भी पीसेस आपको रखने हैं आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस का कोई ब्रेकफास्ट बनाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ईजी रेसिपी बता रही हूँ, जिससे आप स्टोर करके रख सकते हैं और सुबह के नाश्ते में या बच्चों का लंच बॉक्स हो या खुद के खाने के लिए चाहिए तो आप इनको निकालिए, बस फ्राई करिए और खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, हेल्दी तो इतनी है कि आप अगर बच्चों को खिलाएंगे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप वैसे इनको खाना चाहते हैं बिना नवरात्रों के, तो आप कूटू के आटे की जगह पे बेसन का यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी सेम रहेगी, मटेरियल सेम रहेगा। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लेते हैं, उसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच ऑयल का। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम अपने सारे पीसेस इसमें डाल देंगे। और आँच को लो टू मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई हीट फ्लेम पे नहीं रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा धीमे रखना है। और इनको हम 2 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम हीट पे धीमे धीमे ऐसे सिकने देंगे ताकि अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं नीचे से हल्के हल्के से ये क्रिस्पी हो गए हैं। बीच बीच में मैंने इनको इस तरह से हल्का हल्का सा हिला भी दिया था ताकि नीचे से जले नहीं। अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी देखने में लग रहे हैं। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे पीसेस को पलट दूंगी और इस तरह से इनको भी हमें 2 मिनट तक के लिए या तब तक जब तक अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए इनको इसी तरह से देखना है ऑयल में। और बहुत ही कम तेल में बहुत अच्छे से बन जाता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयल खाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और बीच बीच में मैंने इनको हल्का हल्का सा अपनी जगह से हिला भी दिया था ताकि अच्छे से फ्राई हो, जले नहीं। तो अब मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल दूंगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए इसमें से। तो इस तरह से मैं सारे पीसेस को निकाल दूंगी और बचे हुए ऑयल में ही हम अपने पीसेस जो बचे हुए हैं वो भी डाल देंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। सेम ऑयल में हमें फिर से इनको सेकना है। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ऑयल की, लेकिन इतने में हमारा बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरह से 2-2 मिनट के हिसाब से मैंने अलटते पलटते इनको भी सेक लिया है और बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो जब इस तरह से ये क्रिस्पी हो जाए हर तरफ से तो इनको निकाल लेंगे। अभी मैं इनका क्रंच भी दिखाऊंगी कि ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं। तो देखिए आप आवाज़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं। अब मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे हमारे सिक गए हमारे ट्रायंगल पीसेस और अंदर से बिल्कुल भी ठोस नहीं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए लेयर दिख रही है आपको, हर चीज़ की लेयर दिख रही है, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं। तो आई होप आपको मेरे ये लौकी से बनने वाली व्रत की बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल नए तरीके से रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से प्रियंका किचन जोन को देखते रहिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।